हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यह डायग्राम आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। इसके अंदर आपको जो मेन पार्ट्स है वो आपको बताने का है। ये मेन पार्ट्स है एनविल, स्पिंडल, रैचेट स्टॉप, बैरल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक, फ्रेम। ये डायग्राम के ऊपर आपको बताने का है। ये किसको कहते हैं, ये जो पार्ट है ये इसको एनविल कहते हैं। तो आपको यहाँ लिखने का है, एनविल के सामने ए लिखने का है। ए देन दूसरा पार्ट है बी, तो इसको ये बी पार्ट को स्पिंडल कहते हैं। यह है स्पिंडल, ये स्पिंडल है, इसको स्पिंडल कहते हैं। ये बी पार्ट्स है, इसको स्पिंडल कहते हैं। तो बी पार्ट स्पिंडल के सामने आपको लिखने का है बी। देन थर्ड पार्ट है आउटसाइड माइक्रोमीटर का सी पार्ट्स है, आपको ये दिख रहा है सी, इसको फ्रेम कहते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्रेम है यह फ्रेम, आपको ये सेवन नंबर का है ये फ्रेम। फ्रेम के सामने आपको लिखने का है सी। देन आपको ये डी का पार्ट का नाम बताने का है। ये डी किसको क्या कहते हैं, इसको ये स्पिंडल लॉक कहते हैं। इसको डी को स्पिंडल लॉक, ये देखो यहाँ दिखाया है स्पिंडल लॉक। तो स्पिंडल लॉक के सामने आपको लिखने का है डी। देन ई पार्ट्स है, ई पार्ट्स आपको दिखाने का है, इसको बैरल कहते हैं। ये दिस वन, इसको क्या कहते हैं, बैरल। ई पार्ट को बैरल कहते हैं। तो ई के सामने आपको ये बैरल के सामने ई लिखने का, यहाँ ये ई हो गया। उसके बाद एफ आपको बताने का, एफ क्या क्या कहते हैं, इसको एफ को क्या कहते हैं, इसमें आपको क्या कहते हैं, ये थिम्बल है, ये ई को क्या बोलते हैं, थिम्बल। तो ये आपको एफ एफ पार्ट है जो आपको दिखाने का है। एफ यहाँ पे एफ लिखने का है, एफ ये थिम्बल हो गए। बाद में आपको ये जी पार्ट बताने का, जी को क्या कहते हैं, जी को रैचेट स्टॉप कहते हैं। ये जो तीन नंबर का पार्ट है वो यहाँ पे जी दिखा है, वो सामने लिखने का, रैचेट के सामने आपको जी लिखने का, जी। तो ये मेन पार्ट्स है आउटसाइड माइक्रोमीटर के, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग इंटरव्यू में, आपको ओरल में आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला वाला है एनविल, स्पिंडल, रैचेट स्टॉप, बैरल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक एंड फ्रेम, दीज आर आपको ये मेन पार्ट्स कहते हैं इसको। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का डायग्राम है, इसमें आपको दिखाया है सब ये पार्ट्स बी सी डी, ये आपको बताने का है एक्चुअली ऑन वर्नियर माइक्रोमीटर के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को शेयर करो और लाइक कीजिए। थैंक यू।